मुझे बताया गया कि व्हाट्सएप पर एक जुमला मुस्तकिल चल रहा है कि रोज़े आशूर सलाम किया जा सकता है। चूंकि मैं आप लोगों को एक अरसे से ये समझा रहा हूँ कि शब आशूर और रोज़े आशूर और शाम गरीबा में जिससे मुमकिन हो वो नंगे पैर रहे, आस्तीनें चढ़ाए रखिए, साफ सलामत न कीजिए, बेसबब गुफ्तगू न कीजिए, और अगर हाथ आदतन उठ जाए तो या हुसैन कहिए। उसकी वजह यह है कि जिस जाहिल ने भी व्हाट्सएप पर यह जुमला चलाया है कि रोज़े आशूर सलाम किया जा सकता है, उसको मैं बता दूं कि मेरे सामईन और नाजरीन में अक्सरियत उनकी है जो अरबी से वाकिफ नहीं है, वरना हमें मासूमों ने रोज़े आशूर के जो जुमले बताए हैं वो सुन लीजिए। आदम अल्लाह उजूराना व उजूरकुम बेमुसाबे सैयदन अल हुसैन अलैहिस्सलाम, यही कहा जाता है जुमला, और जवाब में भी यही कहा जाता है, आदम अल्लाह उजूराना व उजूरकुम बेमुसाबे सैयदन अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अब अगर आपको ये नहीं मालूम है कि मासूमों ने रोज़े आशूर हमें सलाम की जगह क्या सिखाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। और आप रोज़े आशूर कह रहे हैं, रोज़े आशूर निकाह भी हो सकता है, रोज़े आशूर बेटी की रुख्सती भी हो सकती है, रोज़े आशूर अकीका भी हो सकता है, रोज़े आशूर बच्चे की बिस्मिल्लाह भी हो सकती है। देखिए मैं आपको आज अपनी गुफ्तगू का आखिरी जो नतीजा था वो मैं आज आपको दे रहा हूँ, और इसको महफूज रखिएगा अपने हाफिजों में। दो इल्म हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ है, एक आईन है और एक कानून है। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे यहां भी है जिसे इल्म कलाम कहते हैं। इल्म कलाम यानी कलाम करने का इल्म नहीं है, गुफ्तगू का इल्म नहीं है। इल्म कलाम यानी फलसफा या अकायद, फलसफा मारिफत, उसे इल्म मारिफत भी कहते हैं, फलसफा या अकायद भी कहते हैं, और इल्म कलाम आमतौर से कहा जाता है जिसमें वहदानियत, नबूवत, विलायत यानी इमामत, हश्र, कब्र, महाद, कयामत सब कुछ उसमें आता है, और हर चीज का एक फलसफा है। उसका जो उसके सिस्टम हैं वो फिक्र के सिस्टम से अलग हैं। फिक्र के एतबार से आप किसी से भी मसला पूछेंगे, सादा सा मसला, वो आपको जवाब दे देगा कि निकाह करना जायज़ है। अब उसमें रोज़े आशूर आप बढ़ा लीजिए, मिसाल के तौर के ऊपर चांदी को गला देना जायज है, वो लिख देगा कि जायज है। और वो चांदी जो है वो आलम की चांदी है, जागिए जागिए, और मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। देखिए किस्सा ये है कि कुछ लोग थोड़ा बहुत हमारे मदरसों में शुद्ध बुद्ध फिक पढ़ लेते हैं, शुद्ध बुद्ध फिक के 52 बाब हैं जो किताबें कहलाती हैं, फिक की 52 किताबें, और बुरा ना मानिएगा उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो हमामे सरों पर लपेट के चले आते हैं और किताबो तहारत से भी वाकिफ नहीं होते।